शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, अधूरा कहता है ना उसे जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए इंद्र जी, इसलिए समझ जाए इंद्र जी, ये इंद्रजीत बढ़ रहा छत्री के काल जी धनु पे सहायक जब गीत चल रहा वह नहीं कहीं तक रहता है जो बल रखता है मुस्तो का रघुवंश आर का पूरा है कर देगा चूरा दिखो
लक्ष्मण कहाँ है? उठा ले बेटा, उठा ला, उठा ला। समूह के मंत्री महोदय श्री अजीत सिंह से निवेदन करता हूँ कि वो आकर दो शब्द समित को और ग्राम बोला आज हम लोग के ग्राम सभा रंगी में आज की 12वें दिन की रामलीला 12वें दिन की रामलीला लक्ष्मण शक्ति मेघना प्रस्तुत की जा रही है। आज हमारे मंच पे रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री दिवाकर पांडे जी, संचालक हम लोग के गार्जियन श्री राधा सिंह जी, श्री भीम सिंह जी, मंच पे श्री व्यास गद्दी पे श्री उमाकांत सिंह जी, श्री धनंजय सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री अजय सिंह पिट्टू दादा जी और हम लोग की समिति के प्रबंधक श्री विजय शंकर गुप्ता जी और मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई श्री त्रिभुवन नारायण सिंह जी, मैं आपका छोटा भाई अजीत सिंह सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ये बहुत गौरव का विषय है कि 76 साल की रामलीला हम लोग के मंच पे प्रस्तुत की जा रही है और मैं इसके लिए अपने बड़े भाई श्री लाला सिंह को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि 76वां साल प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूँगा कि 100 साल की रामलीला आपके कार्यकाल में प्रस्तुत की जाए। देखिए संगीत को लोग बहुत कुछ करा करते हैं, रामलीला चल रही है बहुत टाइम में नहीं लेना चाहूंगा, कनेक्ट तो बहुत आते हैं, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा विषय है। वो कह देते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उसको करके निभाना बहुत बड़ी बात है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री ने पहला साल संचालन कर रहा था तो ये पहली मीटिंग हम लोग की नागपंचमी के दिन हो रही थी तो यादव जी भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कजी जी ने आपने तो बहुत कुछ कहा ये करना है वो करना है लेकिन अभी कुछ दिखा नहीं। हमने यादव जी से कहा भैया थोड़ा टाइम दीजिए, तो हमने कहा है सब पूर्ण हो जाएगा थोड़ा समय दीजिए। पिछले साल हमने कहा कि मंच हमारा तैयार हो जाएगा पिछले साल कहा, उसके बाद हम की जितनी कमेटी थी सारे लोगों की इच्छा थी कि भाई जो हम लोग के इस रामलीला समिति का जो रामलीला 76 साल तक इस गाँव में होते रहा जिसके जो संस्थापक रहे उनकी एक प्रतिमा हो जाए प्रस्ताव कमेटी के द्वारा हुआ। हम लोग उचित को भी दिनांक 23 तारीख को उसको भी करने का काम किया, लेकिन एक बहुत छोटा सा विषय है उसको करना नहीं चाहिए। कई जगह कमेंट हो रहा है कि वोट पे इनका नाम नहीं है उनका नाम नहीं है, नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम कर्म करेंगे ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। हमने तो मिलाकर के कहा कि हमारा नाम आप कटवा दीजिए, हम लोग की समिति की जितना मेहनत विजय शंकर गुप्ता जी करते हैं क्योंकि एक व्यवसायी होने के नाते जितना समय देते हैं फ्रंट पे उनका नाम रखा जाए, अगर विजय शंकर गुप्ता नहीं होते यहाँ पेंटिंग का काम शायद न होता है कुछ और होता।
लेकिन मेरे द्वारा कहीं मेरी बहुत लोग कमेंट किए, हमने उनको कहा भी भाई जो मूर्ति प्रतिमा स्थापित हुई है इसमें समिति का एक पैसा कहीं नहीं लगा, सारा खर्च लिया खुद अपने परिवार यहाँ वहां से जुटाकर लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च हुआ प्रतिमा को लगवाने में। लेकिन लोग अनाप सुना शासित कर रहे हैं तो हमने आज यादव भैया से खुद मैंने कहा भैया हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, लोग कमेंट कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 76 साल में आप एक सूची बनवाइए जितने पात्र हैं, 76 साल के कार्यकाल में जितने पात्र हैं जितने लोग हैं उसका एक शेड्यूल बन जाए, जितना खर्च आता है सारा लोगों का सिलापट लग जाए, समिति उसको नहीं वहां प्रोडन करेगी, जो समिति जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक का पैसा यथास्थिति रहेगा, उससे कोई बट नहीं, लेकिन समिति के जितने मेंबर है जो खर्च आता है उसके सबके प्रोडन किया जाएगा। अगली जो मीटिंग होगी हमारी नागपंचमी पे इस मुद्दे को हम रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग भागीदार में 76 साल के जितने लोग हमारे लिए हैं उस बोर्ड पे सबका नाम हो जाए। हमारे गांव का बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, अगर आप बाहर जाइए तो होता है कि अरंगी मेला 76 साल से हो रही है, तो पहले सर्वप्रथम अरंगी का नाम आता है, कहीं लाला सिंह का नाम नहीं आता, तो पहले हम लोग की पहचान अपने गांव से है, जब हम लोग का गांव की पहचान रहेगी तभी हम लोग की पहचान है। लोग इतने अच्छे हम देखते हैं, अभी जैसे राम विवाह पर काफी भीड़ रही हूँ की रामलीला में, जैसे ही हमारी रामलीला पांचवें दिन की शुरू हुई राम वनगमन की 2 दिन 10-20 लोग थे, जबकि इतनी अच्छी लीला थी कि हर घर में ये समस्या है, देखना चाहिए लोगों को, सीखने की जरूरत है। छठे दिन वो भी हार रही, जिस दिन भरत जी जाते हैं मनाने के लिए श्री रामचंद्र जी को, ऐसा भाई अभी तक नहीं हुआ जो इसको राग पाठ मिलना था, नहीं उसको ठुकरा के राम का पूजा किया और रामचंद्र जी को वन में मनाने के लिए गए, उसके बावजूद भी ऐसी लीला को लोग नहीं निकल के लिए यहाँ प्रस्तुत होते हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम हम लोग गांव का एक गौरव है, साल में एक बार 15 दिन की लीला होती है, हर घर से लोग उपस्थित हों लीला को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग गांव का एक गौरव है। अभी रासलीला वो बाहर के वृंदावन मथुरा के लोग करने आते हैं, 10-20 गांव से लोग टूट के चले आने, भीड़ इतनी हो जाती है वहां जगह नहीं रहती है। हमारे घर के आपके घर के बच्चे इस मंच से संचालन करते हैं, हम अपने बच्चे को जागरूक करने के लिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। एक ऐसा मंच है कि आपको फ्री में बोलने का एक मौका मिलता है, हमारे आपके घर के बच्चों को जागरूक होने का एक मौका मिलता है, तो ये हम लोगों की परंपरा चीज है। मैं यही चाहूंगा कि इस पे राजनीतिक चीज से हटा के इसके हम लोगों के गांव का एक बहुत बड़ा एक गौरव का चीज है, इसको हम लोग मिल के इसको आगे बढ़ाएं, किसी एक दूसरे पर पर्टिकुलर डिपेंड न रहे, हर घर से जो बच्चे अगर अच्छे हैं उनको यहाँ रामलीला में भेजे उनको पाठ दिलाया जाएगा। लेकिन जो अगर इस तरह के हम लोग काम के विषय में हमारे मामले के विषय में अगर राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा होती है बात होती है तो बिल्कुल गलत है, चीजें नहीं होनी चाहिए। और बहुत कुछ न करते हुए मैं इस बार लीलाधर भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि 2 साल से मेरा मंत्री का कार्यकाल चल रहा है, और मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप आइए, दोनों बार से 15 दिन का समय लीलाधर भैया पूरी रामलीला से ले रहे हैं, पिछले साल को नहीं इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बोरा से भी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिलकोस्ती से हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहां से भी हमारे लोग आते हैं, इसलिए मैं अपने चारों ग्राम पंचायत के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जय श्री राम।